पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने अपनी नामांकन रैली से पहले पत्रकारों से बात की। उन्होंने कहा कि मुझे प्रदेश की जनता पर विश्वास है, जनता के सामने प्रदेश की तस्वीर है। आज जनता महंगाई, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार से परेशान है। आने वाले चुनाव में वह सोच समझकर फैसला लेगी। वही छिंदवाड़ा में भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेताओं के आने के सवाल पर उन्होंने कहा कि वह जितना भी घेर ले, छिंदवाड़ा की जनता ने मुझे 44 साल से सिर्फ वोट ही नहीं अपना प्यार और विश्वास भी दिया है। मध्य प्रदेश की मतदाता के सामने प्रदेश की तस्वीर है, यहाँ हर वर्ग परेशान है, भ्रष्टाचार से परेशान, बेरोजगारी से परेशान, कृषि क्षेत्र उनका दुख, ये आज सब मध्य प्रदेश की जनता देख रही है। और मैं मुझे विश्वास है कि वह केवल एक उम्मीदवार या इस पार्टी का प्रश्न नहीं है, मध्य प्रदेश के भविष्य का प्रश्न है। और मध्य प्रदेश के भविष्य हमारे मध्य प्रदेश के मतदाता सुरक्षित रखेंगे। घेर लें ये छिंदवाड़ा के मतदाताओं जिन्होंने मुझे 44 साल अपना प्यार और विश्वास दिया, केवल वोट नहीं दी, साथ नहीं की। जहाँ किसी उम्मीदवार ने कह दिया मैं नहीं लड़ना चाहता, यहाँ कहीं कोर्ट का केस था वो निपट गया, वहाँ हमने कुछ चेंज किए, हमने प्रयास किया था, सीटों की बात देखी, प्रश्न था कि कौन सी सीट है जहाँ हमारे लोग कहते थे कि हम इससे बीजेपी को लाभ होगा, वहाँ नहीं हो पाया। देखिए ये तो ऐसे ही राम मंदिर की बात कर रहे हैं जैसे ये भारतीय जनता पार्टी का मंदिर हो। राम मंदिर हमारे देश का मंदिर है, हमारे सनातन धर्म हाँ का एक बहुत बड़ा चिन्ह है, तो ये किसी पार्टी का क्या है राम मंदिर।